इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका ये मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा रखी है। पहले तो तमाम बड़ी पार्टियों के मुस्लिम चेहरे को अपने साथ कर लिया, नीतीश तेजस्वी को बड़ा झटका दिया, तो वहीं अब पीके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी जनसुराज पार्टी का लॉन्चिंग करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, पीके ने इससे पहले चौंकाने वाला फैसला भी ले लिया। प्रशांत किशोर ने खुद को पार्टी नेतृत्व की दौड़ से ही आउट कर लिया है और यहां तक कि बड़ा दाव चलते हुए ऐलान कर दिया कि उनके संगठन का नेतृत्व एक दलित चेहरा करेगा। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले सुनिए। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगता है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी 70 कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा है, दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका ये मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए, हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप दो लोग इसके समर्थन में हैं, सारे लोग सहमत हैं। और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा, उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा, फिर ओबीसी का नंबर आएगा और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे। हालांकि सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पीके ने एक बड़ा प्लान भी तैयार किया। पीके ने कहा कि समाज में 5 समूह, सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम है, दलित सबसे वंचित है, इसलिए उनकी पार्टी का पहला अध्यक्ष इसी वर्ग से आएगा। प्रशांत किशोर ने रोटेशनल नेतृत्व देने का भी फैसला किया, यानी कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 1 साल के लिए होगा और या तो ईबीसी या फिर मुस्लिम दूसरा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके बाद ओबीसी और फिर सामान्य वर्ग से कोई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। अब प्रशांत किशोर का ये दाव चुनाव में कैसा नतीजा दिला पाता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आपको प्रशांत किशोर की जो ये प्लानिंग है वो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।